बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी। निहारी बनाने के लिए हमें चाहिए है बोंग 1.5 किलो। निहारी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं उसमें है 4 बड़ी इलायची, 1 जायफल का टुकड़ा, 4 से 5 अदद लौंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून अनारदाना, 2 से 3 अदद पीपली, 1 टुकड़ा जावित्री का, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद तेज़पत्ते, थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्चें पाउडर 1.5 टेबल स्पून, सौंठ 1/2 टेबल स्पून, 2 अदद प्याज स्लाइस कटिंग, 1 कप ऑयल, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी जुलियन कटिंग अदरक, 2 से 3 नींबू, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब हम ग्राइंडर में सारे साबुत मसाले डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो चुके हैं, अब हम इसमें पाउडर मसाले डाल देंगे। और इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए निहारी मसाला तैयार है। इसे हम एक प्याले में निकाल लेंगे। अब एक पतीले में ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को सोते कर लेंगे। प्याज सोते हो चुके हैं। अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और इसे हल्का सा भूनेंगे। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी डाल के अच्छी तरह से गोश्त को भूनेंगे। मसालों को और गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। हमारा मसाला भून चुका है। पानी डाल देंगे गोश्त गलने के लिए ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। और चूल्हे की आंच कम कर देंगे। 1/2 कप रोस्टेड आटा लेंगे और उसमें पानी मिक्स करके पतला सा पेस्ट बना लेंगे। अब हम आटे के पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके निहारी में मिक्स करते रहेंगे और मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि निहारी में कोई लम्स ना बने। आप जितनी निहारी की कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं उतना ही आटे का बैटर डालिए। अब ढक्कन बंद करके 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी निहारी रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। मेरी निहारी
निहारी की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर वालों को बनाकर खिलाइए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी रेसिपी कैसी लगी ये